Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? मैं पंकज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल पंक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ब्रह्मांडीय दानव की जो ब्रह्मांड में चीजों को निगल जाने के लिए जाना जाता है। इसके सामने आने पर कुछ नहीं बचता है, फिर चाहे बड़े बड़े सुपर जायंट स्टार्स हों, बड़े बड़े प्लैनेट्स हों, यहाँ तक कि लाइट, वो भी नहीं बच पाती है। जी हाँ गाइज, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है ब्लैक होल्स की। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या वाकई में ब्लैक होल एक ब्रह्मांडीय दानव है, ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और क्या चीज है जो इन्हें इतना रहस्यमय बनाती है, और भी बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, हो जाएं तैयार ब्लैक होल के रहस्यमय सफर के लिए। तो बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है ब्लैक होल होते क्या हैं। ब्लैक होल्स स्पेस में घूमते वो ऑब्जेक्ट्स हैं जहां फिजिक्स के नियम दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये स्पेस में खोजा गया एक ऐसा हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि इससे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज ट्रेवल करने वाली चीज लाइट भी नहीं बच पाती है। आमतौर पर ज्यादातर ब्लैक होल्स की जिंदगी एक बेहद विशाल स्टार की मौत से शुरू होती है। जब एक विशाल स्टार अपने आखिरी दौर में कोलैप्स करता है तो वो यूनिवर्स में एक जबरदस्त विस्फोट के साथ फटता है। कुछ समय के लिए वो मरता तारा 10 अरब स्टार्स जितनी एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस कर देता है और यही वन ऑफ द मोस्ट लुमिनस इवेंट सुपरनोवा कहलाता है। उसके बाद होता यह है कि ग्रेविटी उस स्टार के कोर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक स्टार जो पहले ही अपनी मैसिव ग्रेविटी की वजह से क्रश हो रहा होता है, इस दौरान जो चीज इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही होती है, वो चीज होती है इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकलती हुई लाइट। और ऐसा करते करते जब ये स्टार और लाइट नहीं पैदा कर पाता है तब वो ज्यादा और ज्यादा सिकुड़ना शुरू कर देता है। वो छोटा और छोटा होता चला जाता है। तब उसे ढहने से बचाने के लिए कोई फोर्स नहीं बच पाती है और वो पूरी तरह से क्रश हो जाता है। ग्रेविटी मैटर के हर कण को अंदर की ओर खींचती चली जाती है। यहाँ ग्रेविटी मैटर को इस कदर खींचती है कि माउंट एवरेस्ट जितने लोहे के टुकड़ों को कुचलकर रेत के कण जितना बना देती है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक एक स्याह काले छिद्र में परिवर्तित ना हो जाए, और ये नया बना स्याह काला छिद्र ब्लैक होल कहलाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है गाइज कि इस ब्लैक होल का मास उतना ही रहता है जितना उस मरते स्टार का था जिससे वो अस्तित्व में आया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बेहद विशाल मरता तारा सुपरनोवा होने के दौरान भी अपना मास, बोले तो द्रव्यमान को नहीं खोता है जब एक ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। तो यही वो प्रक्रिया है जिससे एक ब्लैक होल अस्तित्व में आता है। ब्लैक होल से जुड़े इतिहास के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो ब्लैक होल्स का इतिहास 200 से भी अधिक वर्षों जितना पुराना है। सन 1783 में सबसे पहले कैम्ब्रिज डॉन और जॉन मिशेल ने ब्लैक होल्स को पॉइंट आउट किया था। उन दिनों इन्होंने इसे डार्क स्टार्स के नाम से परिभाषित किया था। बाद में आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से ब्लैक होल के अस्तित्व को साबित किया था, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इस सदी के महान भौतिकी शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल्स पर अपनी थ्योरीज को सामने रखा था। ये एक अजीब ही बात है कि ब्लैक होल्स का इतिहास 200 वर्षों से भी अधिक पुराना होने के बावजूद आज भी हमारी ब्लैक होल्स के ऊपर जानकारी बेहद सीमित है। इसका सबसे बड़ा कारण एस्ट्रोनॉमर्स ये बताते हैं कि एक तो ब्लैक होल्स कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिस वजह से इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। हम लोग ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह देख ही नहीं सकते हैं। एक तरह से ये इनविजिबल होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जब ये इनविजिबल होते हैं तो इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है। इसका जवाब एस्ट्रोनॉमर्स ये देते हैं कि ब्लैक होल्स का पता इसके चारों ओर घूमते मटेरियल द्वारा लगाया जाता है, जो ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी और फोर्स की वजह से इसके चारों ओर एक डिस्क की फॉर्म में बहुत तेज गति से घूमती नजर आती है। इस डिस्क को एक्रेशन डिस्क नाम से भी जाना जाता है। इस डिस्क में मैटर जैसे गैसेस, क्लाउड्स और दूसरे ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूम रहे होते हैं कि आपस में टकराकर और रगड़ खाकर ये सारा मैटर ब्लैक होल के चारों तरफ ग्लो करने लगता है, और इस वजह से जनरेट हुई हीट और एक्सरेज को पृथ्वी से स्पेशल टूल्स और स्पेशल टेलीस्कोप जैसे एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने की एक दूसरी तकनीक है इसके आसपास मौजूद स्टार्स का बेहद अजीब बर्ताव।
अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गैलेक्सी के केंद्र के आसपास स्टार्स में दूरी बहुत कम कम होती है, जिस वजह से इनमें ब्लैक होल्स की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से मोशंस काफी तेज गति से हो रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये स्टार्स ब्लैक होल का चक्कर बहुत तेज गति से लगा रहे होते हैं, जबकि नॉर्मली स्टार्स ऐसा नहीं करते हैं। इन्हीं स्टार्स के इतना तेज मोशन करने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को पता चल जाता है कि वहां जरूर कोई ब्लैक होल है। अब जबकि हमने ये जान लिया है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं और इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो अब बात आती है इनके टाइप्स को लेकर। आखिर ब्लैक होल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो गाइस, ब्लैक होल्स मेनली 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं: माइक्रो और टिनी ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सबसे पहले बात करें अगर माइक्रो ब्लैक होल्स की, तो माइक्रो ब्लैक होल्स को क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल्स और मिनी ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। इनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ माइक्रोमीटर तक का ही होता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन तरह के ब्लैक होल्स का निर्माण शुरुआती ब्रह्मांड में ही हुआ था, बिग बैंग के दौरान हाईली डेंस एनवायरनमेंट में। बात करें अगर स्टेलर मासेस ब्लैक होल्स की, तो ये अस्तित्व में तब आते हैं जब हमारे सूर्य से 3 गुना या उससे थोड़ा ज्यादा मास रखने वाला कोई स्टार कोलैप्स करता है। इन तरह के ब्लैक होल्स का आकार एक शहर जितना बड़ा होता है। वहीं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की खोज से पहले एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि ब्लैक होल्स या तो बहुत बड़े या बहुत छोटे होते हैं, लेकिन रिसेंटली की गई स्टडी से ये सामने आया है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये अस्तित्व में तब आते हैं जब स्टार्स क्लस्टर में चेन रिएक्शन के थ्रू एक साथ कोलाइड करते हैं, फिर आपस में मर्ज होकर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का निर्माण करते हैं, और इसी तरह आपस में मर्ज होकर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी बन जाते हैं। इनका मास थाउजेंड्स ऑफ सोलर मासेस जितना हो सकता है। वहीं अगर बात करें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की, जो हमें अक्सर छोटी और बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में देखने को मिलते हैं, इनका मास मिलियन और बिलियन सोलर मासेस जितना होता है, और इनके अस्तित्व को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स ने कई सारी थ्योरीज को सामने रखा है, जिनमें से पहली थ्योरी ये कहती है कि इतने बड़े ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआत में ही हो गया था, जब गैलेक्सीज का बनना शुरू ही हुआ था। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जो पहले स्टार्स बने थे, वो सन और अर्थ के डिस्टेंस से 10 टाइम्स बड़े थे, जिनका जीवन काल बहुत छोटा हुआ करता था, और इन्हीं स्टार्स के सुपरनोवा होने के दौरान सुपर मैसिव ब्लैक होल अस्तित्व में आए थे। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा कोई स्टार आज मौजूद होता तो वो युवा स्कूटी से भी 5 से 6 गुना बड़ा होता। वहीं तीसरी और आखिरी थ्योरी ये कहती है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स द्वारा एक दूसरे में कोलाइड हो जाने के कारण और बहुत सारे मैटर को निगल जाने के कारण ही सुपर मैसिव ब्लैक होल अस्तित्व में आए। अब क्योंकि हमने ये जान लिया है कि ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर को लेकर। गाइस, वैसे तो ब्लैक होल्स के आगे हमारी सारी फिजिक्स दम तोड़ती नजर आती है, लेकिन अब तक जितना हम ब्लैक होल को जान पाए हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि ब्लैक होल का जो मुंह होता है, जिसे हम ब्लैक होल की बाउंड्री कह सकते हैं, जहां से ब्लैक होल शुरू होता है, उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। और माना जाता है जो चीज एक बार इस इवेंट होराइजन को पार कर गई, वो कभी वापस ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, इवन लाइट भी, क्योंकि वहां ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। फिर जैसे जैसे हम ब्लैक होल के केंद्र तक पहुंचते हैं, वो जगह कहलाती है सिंगुलैरिटी, जहां एक्चुअल में ब्लैक होल का सारा इंटेंस मास लाई करता है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल में वो जगह है जहां ब्लैक होल ने जो कुछ भी खाया होता है वो स्टोर होता है, और इसके आगे क्या है वो कोई नहीं जानता। वैसे सिंगुलैरिटी भी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई एक थ्योरी ही है। अब मैं आपको ब्लैक होल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो वाकई में आपकी हवाइयाँ उड़ा देंगे। अगर बात करें हम अपने खुद के सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के बारे में, तो एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पिछले 1200 करोड़ वर्षों के इतिहास में इसके सामने जो आया, इसने वो सब कुछ निगल लिया, और आज लगभग सब कुछ निगल जाने के बाद अब ये ज्यादा कुछ नहीं खा रहा है और शांति से मिडिल एज लाइफ को जी रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये उतना एक्टिव नहीं है। अगर ये पहले जैसे ही चीजों को आज भी खा रहा होता, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ब्लैक होल अपनी इंटेंस ग्रेविटी के कारण स्पेस और टाइम दोनों पर असर डालता है। यही वजह है कि ब्लैक होल के करीब समय धीमा और धीमा हो जाता है। अगर किसी निश्चित दूरी से कोई चीज हम ब्लैक होल के करीब जाते हुए देख पाएं, तो हम ये देख पाएंगे कि वो चीज या ऑब्जेक्ट धीमा और धीमा, और एक टाइम पर वो हमें रुका हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ब्लैक होल्स फ्यूचर में टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं, तो पुरानी थ्योरीज हमें ये बताती थी कि आपकी बॉडी ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी के कारण इतना स्ट्रेच कर जाएगी कि आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दोगे।
लेकिन 2012 की नई रिसर्चेस बताती हैं कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन किसी वॉल ऑफ फायर की तरह एक्ट करता है, मतलब किसी आग की दीवार की तरह, जिससे जो भी चीज इवेंट होराइजन को छुएगी वो उसी वक्त भस्म हो जाएगी। एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं, जिनका मास 3 गुना तक जरूर हो सकता है हमारे सूरज की तुलना में। अगर बात करें इन सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज कंपैरिजन को लेकर, तो ये बहुत बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में मौजूद सेजिटेरियस ए का मास 4 मिलियन सोलर मासेस जितना है। वहीं अगर इसकी तुलना एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल से करें तो सेजिटेरियस ए कहीं नहीं टिकता। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे ब्लैक होल से 25 गुना बड़ा है, जिसका मास लगभग 100 मिलियन सोलर मासेस जितना है। वहीं अगर इस ब्लैक होल की तुलना दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल से करें तो ये भी बहुत छोटा है। अब तक का ज्ञात सबसे मैसिव ब्लैक होल TON618 है, जिसका मास लगभग 66 बिलियन सोलर मासेस जितना है, और ये लोकेटेड है कैंस वेनेटेची नक्षत्र में, जिसके बारे में अभी जानकारी बेहद सीमित है। तो गाइस, ये थी सारी जानकारी ब्लैक होल्स को लेकर। आज इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और एक ब्लैक होल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये आकार में कितने बड़े हो सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर मैं एवरी वीक ऐसे ऐसे स्पेस रोचक तड़के लगाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को भी दबाइए, ताकि इन तड़कों वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी मजेदार वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।